हाय एवरीवन, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता जिसे हम NTSE के नाम से भी जानते हैं, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, यह एक भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर की छात्रवृत्ति योजना है जिसके द्वारा हम क्लास 10th के उन बच्चों की खोज करते हैं जिनके अंदर उच्च बौद्धिक एवं शैक्षिक क्षमता होती है। इस छात्रवृत्ति योजना में कक्षा 10th में पढ़ने वाले छात्र शामिल होते हैं और कक्षा 10th के बाद से लेकर के PhD तक पढ़ने के लिए भारत सरकार उन्हें छात्रवृत्ति देती है और इस छात्रवृत्ति के आधार पर वह हाई स्कूल के बाद की अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इस साल जो परीक्षा होनी है उसकी अंतिम तिथि 24 दिसंबर 2021 है और परीक्षा की तिथि भी तय हो चुकी है 16 जनवरी 2022 को इस वर्ष की NTSE की परीक्षा होनी है। अतः वे सभी छात्र जो क्लास 10th में पढ़ते हैं वह इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यह परीक्षा 2 स्तरों में होती है, पहला जिले स्तर पर होता है और दूसरी परीक्षा राज्य स्तर पर होती है। जो छात्र जिले स्तर पर उत्तीर्ण होते हैं उन्हें राज्य स्तर पर उत्तीर्ण होना होता है। अगर आप राज्य स्तर पर उत्तीर्ण हो जाते हैं तो आपको छात्रवृत्ति मिलने शुरू हो जाएगी। इस वर्ष की जो परीक्षा हो रही है उसका आयोजन सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण प्रयागराज उत्तर प्रदेश के द्वारा हो रहा है और पूरे भारतवर्ष में यह परीक्षा NCERT के माध्यम से संचालित होता है। पिछले वर्ष से इस परीक्षा का आवेदन ऑनलाइन लिया जा रहा है, तो आइए हम आपको बताते हैं कि ऑनलाइन कैसे आप NTSE की परीक्षा में अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपना क्रोम ब्राउजर खोलना होगा और यहाँ टाइप करेंगे ENTdata.co.in। यह लिंक चाहिए आपको, आपको वेबसाइट का पता चाहिए ENTdata.co.in। डाटा तो याद रहेगा ENT यानी कि ईयर नोज टॉन्सिल। ENTdata.co.in पर जाएंगे तो यह वेबसाइट खुल जाएगी और यहाँ और नीचे यहाँ दिखेगा स्टेट लेवल नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 21-22। यहाँ हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस हमारे सामने आएंगे, उस इंस्ट्रक्शन को हम ध्यान से पढ़ लेंगे। यहाँ वो सारी चीज़ें लिखी रहेंगी, यहाँ वो सारी चीज़ें लिखी हैं कि लास्ट डेट कब है, परीक्षा कब होनी है और परीक्षा से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं यहाँ दी गई होंगी, रिजर्वेशन कैटेगरी क्या है एटसेट्रा। यहाँ हम आई एग्री पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट बटन दबाएंगे। यहाँ परीक्षा से संबंधित सारी जानकारियाँ आ जाएंगी। पार्ट वन पहली परीक्षा जो आपके जिले स्तर पर होगी उसमें आपके 100 कंपलसरी क्वेश्चन होंगे। उसके बाद से पार्ट टू में जो परीक्षा होगी उसमें आपके एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे और उसका सिलेबस क्या होगा वो सारी चीज़ें यहाँ दी गई होंगी। ये सारी चीज़ें आप ध्यान से पढ़ लीजिए। दोनों पेज पर जो इंस्ट्रक्शन आ रहा है उस इंस्ट्रक्शन को आप ठीक से पढ़ लीजिए और फिर नीचे आप एग्री करके नेक्स्ट बटन दबाएंगे। नेक्स्ट बटन दबाते ही आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म खुल जाएगा और जहां पर आपके कुल 4 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, दूसरे स्टेप में आप फी जमा करेंगे। रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए अलग फी स्ट्रक्चर है, जनरल कैटेगरी के लिए अलग फी स्ट्रक्चर है। तीसरे स्टेप में आप अपना फोटोग्राफ अपलोड करेंगे, सिग्नेचर अपलोड करेंगे, स्कूल सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट और दिव्यांग सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। चौथे स्टेप में फाइनल प्रिंट आउट लेंगे और इसी स्टेप के साथ आपका आवेदन कम्प्लीट हो जाएगा। तो जितने छात्र इस वर्ष क्लास 10th में पढ़ रहे हैं वह इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं और हम आपसे यह निवेदन करेंगे कि यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप इस परीक्षा में निश्चित रूप से सम्मिलित हों। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।